तो आज मैं जाऊंगा उड़ान बटोरी। सुबह 7 बजे बस चलनी है बस स्टैंड से, और मुझे अभी तक बस नहीं मिल रही है क्योंकि बसों के ऊपर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। तो मैंने इधर उधर लोगों से पूछा, वो कह रहे हैं यहाँ का यही रूल है और बस ढूंढनी पड़ती है सुबह सुबह। तो मुझे मनोज बाजपेयी की सूल मूवी याद आ गई कि वहाँ पे गांव में कहते थे लोग कि यहाँ का यही रूल है। जैसे कि मैंने बताया कि बसेस जो हैं वो ऐसे सिंगल सिंगल खड़ी रहती हैं, तो बस स्टैंड पर 2-3 बसें थी, उनको मैंने पूछा तो वो तो उड़ान के लिए नहीं थी। ये नीचे वाला रोड जो है वो सुराल के लिए है, ऊपर जो है उड़ान के लिए है। तो अब कुछ लोग जो हैं वो इधर जा रहे हैं कि शायद आगे खड़ी होगी बस, और कुछ लोग पीछे ही खड़े हैं क्योंकि उस पे बस पे एक पीछे थी उस पे बोर्ड नहीं लगा था, तो शायद वही उड़ान के लिए चलेगी। 7 बज चुके हैं लेकिन अभी कोई नाम निशान नहीं है। बस उन लोगों के पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे ही बस हो और वो उधर से ही चली जाए, क्योंकि यही रोड जो है उड़ान के लिए जाता है। सो अभी मैं आगे चला गया था लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर साहब जो है वो ये आ रहे हैं, और फाइनली ये बस खड़ी है और वो लोग तो आगे चले ही गए हैं। तो अभी इस बस में बैठूंगा मैं। मुड़ने के लिए जगह नहीं थी तो हम वहाँ से यहाँ पीछे आए और अभी इस रोड पे जाएंगे, ये वाले रोड पे। और 7:15 बज चुके हैं, अभी 7:15 बजे तक चलती है ये बस। और ये किल्लाड़ का हेलीपैड है। किल्लाड़ से उड़ान बटोरी की दूरी 14 किलोमीटर है और इस बस का किराया 41 रुपये था, और यहाँ से उड़ान पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगेगा। पहाड़ी इलाकों में इस तरह हाथ देके बस को रोकना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर सुराल बटोरी और उड़ान बटोरी की बात करूँ तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा है। मतलब बस अभी एक मोड़ पे रुकती है तो जैसे ही दूसरे मोड़ पे पहुंचती है तो फिर से रुकना पड़ता है दूसरी सवारी के लिए। जब मैं किल्लाड़ से चला था तब तो रोड बहुत अच्छा था, लेकिन आगे जो है वो रोड अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि मैं अगर कैमरे को कितना भी मर्जी अच्छे से पकड़ रहा हूँ बहुत हिल रहा है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं सड़क के ऊपर। तो मैं सामने के नज़ारे जो पहाड़ हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं वो इस तरीके से ही आपको दिखा सकता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है तो लोग अपने घरों से काम के लिए निकल चुके हैं। पक्का रोड सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया था और फिर से कच्चे रोड स्टार्ट हो गए थे, और बस की स्पीड लगभग 20 या 30 रहती है, इससे ज़्यादा स्पीड जो है वो यहाँ पर बस की नहीं होती है। और इन सड़कों पर यहाँ मतलब ड्राइवर को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, कभी जानवर तो कभी इंसान तो कभी बच्चे सड़क पर ऐसे मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पे ऐसे ही चलता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, कभी कभी ज़्यादा बच्चे जो हैं सड़क पे बैठ के खेल रहे होते हैं तो हमें बस को रोक के उन्हें साइड में खुद हटाना पड़ता है। तो यहाँ पर आज के बस के जो ड्राइवर हैं वो ओम प्रकाश जी हैं, और इनसे अभी पूछते हैं कि कितनी बसेज जो हैं वो यहाँ के लिए आती हैं, मतलब किलाड़ से उड़ान के लिए आती है, और वो कितने कितने बजे चलती हैं? यहाँ के लिए 3 बस 1 बजे से 7 बजे चलती है। जो जिसमें अभी हम आए हैं वो 7 बजे है। हाँ जी, हाँ जी, 1-2 बजे आएगी दिन। अच्छा, 2 बजे नीचे से चलेगी किल्लाड़ से? यहाँ के लिए 2 बजे यहाँ से आएगी और उसी टाइम वापस हो जाएगी। तो यहाँ मतलब यहाँ आने के लिए हमारा 1.5 घंटा लगता है, तो अगर नीचे से 2 बजे चलेगी तो 3, 3:15, 3:30 इधर पहुँच जाएगी। अच्छा, और फिर तीसरी बस? फिर 5 बजे बस। 5 बजे चलेगी तो वो 6:15, 6:30 इधर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर किसी को आना हो तो 3 बसें हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर मैंने ड्राइवर से इतना टाइम टेबल पूछा सारी बसेस का, लेकिन मुझे यहाँ ये नहीं था पता कि जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे साथ ही ये लोग ट्रेजडी कर देंगे। तो यहाँ पर ये बस जो है वो 8:15 बजे इसने उतार दिया, अब 8:30 बजे यहाँ से चलेगी। वैसे तो यहाँ एक झील है, मैं उसी को देखने के लिए आया था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि एक शिव मंदिर भी है ऊपर जाके, आप चाहें तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, लोग जो कि लगभग यहाँ से 4-5 किलोमीटर है हाइट के ऊपर। और सुबह जल्दबाजी में आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, और यहाँ आके देखा तो कोई दुकान भी नहीं थी कि जहाँ से बिस्किट वगैरह या ऐसा कुछ ले सकूँ, और पानी की बोतल भी नहीं उठाई। मैंने सोचा कि रास्ते में इतने सारे वाटरफॉल मिलते हैं तो पानी की बोतल भी क्यों उठानी है। और चारों तरफ जो है वो वही हरियाली देखने को मिलेगी, ऊपर जो है वो बर्फ भी पड़ी हुई है, और सामने से आज धूप जो है वो काफ़ी अच्छी खिली हुई है यहाँ पे। कल सुराल में तो बादल ही बादल थे, लेकिन आज जो है वो काफ़ी प्यारा व्यू देखने को मिल रहा है धूप अच्छी होने की वजह। तो लगभग 10 मिनट पैदल चलने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ इस लेक पर, और इसे लेक नहीं कह सकते, एक तालाब ज़रूर कहेंगे। इसकी जो शेप है वो एक पैर की तरह है, और यहाँ पे एक मेला भी होता है जुलाई मंथ में,
और इसके पीछे एक मान्यता है, कहा जाता है कि ये भीम का पैर है क्योंकि एक पैर की शेप की तरह है। तो आपको पता ही है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी होती है, तो गांव वाले कहते हैं ये एक भीम का पैर है। और चारों तरफ छोटे छोटे खेत हैं और खेतों में अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो गाय चर रही हैं और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। और मतलब मेरा मन तो कर रहा है कि वहाँ ऊपर जाया जाए, वहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू होगा शायद, चारों तरफ के पहाड़ जो हो वो दिखेंगे। लेकिन खैर अभी जो ऊपर शिव जी जी का मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ पर जाऊँगा मैं पहले, फिर देखूँगा कि अगर टाइम बचा तो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा अगर टाइम रहा तो। यहाँ पर मैंने बड़े प्राउड से ये तो बोल दिया कि ऊपर जाके एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि मैं अभी 1 घंटे में ऊपर पहुँच जाऊँगा। तो मैं वहाँ से इस रास्ते पे आया, मुझे लगा था कि बड़ा इजी होगा, लेकिन सही में यार इतने से उसको यहाँ तक आने में ही ना बड़ी मतलब एक कह लीजिए कि ऐसी तैसी फिर गई। और वहाँ ऊपर जाने का तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि नज़दीक है, लेकिन नहीं पहुँचा जाएगा, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, 20-20 मिनट बाद जो है वो बैठना पड़ रहा है। हाँ जी, क्या हाल है? जो गद्दी समुदाय है उसकी शुरुआत जो है वो चंबा से हुई थी, तो ऐसे आपको पहाड़ों में भेड़ बकरियां चराते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो मिल जाएंगे। और नीचे का नज़ारा देखिए, वो नदी नाले बहते हुए, और सामने भी जो है वो लोग अपने जानवरों को रखते हैं और वहाँ पर पहुँच मतलब इन पतले से रास्तों से होते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। और खैर अभी मुझे देखिए वहाँ से होते हुए वहाँ जाना है और आगे पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है, तो चलता रहता हूँ अभी। पीछे से जब मैं आ रहा था तो ये झंडे दिखाई दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि यहीं पर मंदिर होना चाहिए, तो मैं कि मैं तो जल्दी निपट गया, आगे जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन खैर ये देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। सुराल के वीडियो में मैंने बताया था कि लोग अपने जानवरों को यहाँ पे रखते हैं और अगर उनको खुद रहना हो अंदर तो ऊपर जो है इसके टेंट लगाते हैं, वो फिर इनके अंदर जो है रहते हैं। तो यहाँ से मैं नीचे से ऊपर आया तो मेरी हालत तो खराब हो गई, लेकिन यहाँ पर कुछ भाई जो है वो काम कर रहे थे, तो ये हैं सब लोग और ये रोज़ यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसकी देख रेख जो है वो यही करते हैं। अच्छा, जो ऋषि भगवान जी के लिए रास्ता बन रहा है उसी काम में। तो आप जो बस आई थी 7 बजे उसमें आए थे या यहीं के रहने वाले? तो भी आपको वहाँ से आना पड़ता होगा जहाँ वो सड़क थी नीचे जहाँ मैं उतरा। अच्छा, तो रोज तो यहाँ आते आते तो हालत इतनी खराब हो जाती होगी कि वापस चलने का मन करता होगा कि चलो घर चलें, आदत पड़ गई है। हमें आदत आदत से पड़ गई ना, हमें नहीं होता है इतना। अच्छा, आदत पड़ गई। आप लोग नीचे, आप लोग ऑब्वियसली कमी होता है, हर कुछ होता है। हाँ हाँ, नहीं होते ज्यादा। और ये आपका कुत्ता भी रोज साथ में आता है? बिल्कुल जी। काटेगा तो नहीं? नहीं नहीं। ओए, आप इसको खेल सकते हैं। तो अभी 10 बज गए हैं, लगभग 1.5 घंटा हो गया मुझे चलते चलते। और वो देखिए वो लेक थी जहाँ से मैं आया था, वहाँ से जब मैं इस तरफ देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं 1/2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन नहीं, काफ़ी टाइम लग गया। और उस झील का नाम जो मुझे यहाँ पे जो काम कर रहे थे लोग उन्होंने बताया कि भीमताल लेक नाम है उसका। और अभी मुझे इस तरफ नहीं जाना है, मुझे जाना है इस तरफ होते हुए अंदर नाला है, फिर वहाँ से एक रास्ता है, देन वहाँ पर जाके मंदिर है। तो देखता हूँ कि वहाँ पर जाने के लिए अब कितना टाइम लगता है। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ रहा था अब मुझे अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी वाले सिम्टम महसूस होने लग गए थे, तो दिमाग में चल रहा था कि ऊपर तक जाऊं या फिर पीछे की तरफ मुड़ जाऊं। इंसान जो थे वो कोई भी नहीं थे, इक्का दुक्का इंसान यहाँ पे दिख रहे थे, लेकिन डर वाली कोई बात थी नहीं क्योंकि सुराल के कंपेरिजन में उड़ान जो है वो काफ़ी खुली जगह है, लेकिन तभी मुझे कुछ दिखाई देता है। और यहाँ से ऊपर से मुझे अभी कुछ छोटा सा एनिमल आते हुए दिखा, पता नहीं भालू है या क्या है, छोटा सा था, एकदम से गायब हो गया।
यहाँ जैसे होना चाहिए उसको। भालू या बंदर की तरह था छोटा सा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया।